अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू पैशन ऑफ आर्ट। आज की वीडियो है कि हमने कैंडल के ऊपर पेंट कैसे करें। इंतहाई आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को जो है ना इसमें ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं कि इतने प्यारी ये कैंडल्स लग रही थी आफ्टर पेंटिंग। तो हमने ले लेनी है इस तरह की वाइट कैंडल्स, बबल्स कैंडल ले सकते हैं आप लोग। ये जो बबल कैंडल्स मैंने बनाई है ये प्योर सोए वैक्स की बनी हुई है और जो एक बबल कैंडल पड़ी है वो पैराफिन वैक्स की पड़ी हुई है। मैं आप लोगों को आज दोनों मतलब पैराफिन की वैक्स की बनी हुई कैंडल से भी पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी और जो दूसरी है सोए वैक्स से भी बनाना सिखाऊंगी। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्रश के साथ पेंटिंग करना भी आप लोगों को सिखाऊंगी और जो पिलर कैंडल पे पेंटिंग हो रही है आजकल नाउ आर डेज ट्रेंडिंग पे है तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। अब आप लोगों ने ले लेने हैं दो किसी भी कलर में। वैसे तो आप लोग किसी भी कलर में पेंट कर सकते हैं बट मुझे ये टू चाहिए थे। वैसे तो मेरे पास मतलब फुल हैं बट ये इस वीडियो में टू यूज होंगे। एक्रेलिक पेंट आप लोगों ने ले लेने हैं, एक्रेलिक पेंट लेने हैं और इस तरह से आप लोगों ने अल्मोनियम फॉइल ले लेना है अगर आपके पास पेंट वाला कुछ भी इस तरह से नहीं है। तो दूसरी आप लोगों ने ये ले लेनी है मतलब एयर कॉटन बड्स लेनी है। ये आपको इस तरह से नोकीली जो होती है इजीली आप लोगों को मेडिकल शॉप वगैरह से मिल जाएगी। आज मैं आप लोगों को विदाउट जो है ना ब्रश के पेंट ब्रश के सिखाऊंगी। ये वाला मेथड बहुत ही इजी टू यूज है और आप लोगों को इजीली ये मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। अब आप लोगों ने लेने हैं एक्रेलिक पेंट को एक से दो ड्रॉप्स ले लेने, बस इतना सा लेना है आप लोगों ने क्योंकि हम जो है ना तो थिक ये बहुत ज्यादा होता है और इसमें मैंने एक से दो ड्रॉप जो होते हैं मैंने पानी के मिलाने हैं। थोड़ा सा इसकी थिकनेस की कंसिस्टेंसी को मैंने कम करना है क्योंकि अगर मैं इसकी मतलब ज्यादा थिक अगर से पेंट करूंगी तो वो कैंडल के ऊपर ड्राई नहीं होगा क्योंकि मुझे कैंडल के ऊपर जो पेंट को है ना ड्राई भी करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से पानी को जो है ना मिक्स करना है ताकि इसकी जो मतलब गाढ़ापन है, जो गाढ़ापन जिसे हम कहते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब कम होकर अच्छे वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब जब आप लोग पेंट करोगे तो इस तरह से आप लोगों ने हार्ट बना लेना है तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही थी माशाल्लाह मेरी कैंडल्स। आपने इसी तरह से मतलब थोड़े सी नोक और जो उसकी नीचे वाली जो जगह होती है आपने इसको मतलब थोड़ा सा लिटा कर जिसे कहते हैं ना उस तरह से आप करोगे तो बहुत ही अच्छी मतलब बनेगी। तो आपने भी इसी तरह से ही पेंट करना है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप लोग इसके ऊपर हार्ट बनाना है, फ्लावर बनाने हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग इसके ऊपर एक फ्लावर बनाना है, एक हार्ट बनाना है या दो हार्ट बनाने हैं, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाई थी। अच्छा, वैसे तो ये पैराफिन पे भी बहुत प्यारा रेड कलर लग रहा था और सोए वैक्स पे बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा था। अब मैंने लगी हूँ प्योर पैराफिन वैक्स की कैंडल के ऊपर। आप लोग थोड़ा सा थिक कीजिएगा। अगर ये थोड़ा सा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होगी तो ये जो है ना, क्योंकि पैराफिन में थोड़ी ये ऑयल ज्यादा होता है पैराफिन वैक्स में, तो इसी वजह से इसमें होल्ड करने की मतलब ये थोड़ा सा कलर को होल्ड नहीं करेगा, थोड़ा सा फैला देगा। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी को ज्यादा करना है, थिक करना है। थिक करने के बाद जब आप इसके ऊपर पेंट करेंगी तो ये हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा। दूसरी बात, आप लोगों ने कमेंट में ये जरूर करना है कि पैराफिन के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा था या फिर सोए वैक्स वाली कैंडल के ऊपर ज्यादा पेंट अच्छा लग रहा था। अब इसी तरह से बिग बबल कैंडल ले लेनी है आप लोगों ने। बिग बबल कैंडल के ऊपर मैं ब्रांड लगी हूँ फ्लावर, इस तरह के डॉट्स वाले फ्लावर बनाऊंगी। तो डॉट्स वाले फ्लावर में आप लोगों ने ये वाली जो मैंने आप लोगों को नोक की तरह जो आपको दिखाई
दिखाई दे रही है। मैंने इसकी कॉटन को सारा रिमूव कर दिया था, तो थोड़ी सी इसके ऊपर कॉटन रहने दी थी, तो उससे मैंने तो जो है ना किया है, तो बहुत मजे का हुआ है, बहुत प्यारा फ्लावर बना है। अब मैं आपको इससे भी करके दिखाने लगी हूँ। ये थोड़ा सा खराब हो गया था तो मैंने इसको फिर ठीक किया, यानी कि इस तरह से आप लोगों ने डॉट डॉट करना है। ये देखें डॉट लगाने हैं, तो ये डॉट मतलब जब आप लगाएंगे तो इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। अब आपने इसके मिडल में आप लोग कोई भी कलर दे सकते हो, आप येलो दें, ग्रीन दें, लाइट ब्लू दें, कोई भी कलर। और हाँ, आप लोग अपनी चॉइस पे भी कलर मतलब यूज कर सकते हो। मैंने रेड किया है, आप ये जरूरी नहीं कि आप लोगों ने भी रेड ही यूज करना। अब आपने इस तरह से डॉट वाला मतलब फ्लावर्स बना लेने हैं, और मैक्सिमम आप लोगों ने इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। विद इन वन आवर में ये आप लोगों का कलर जो है कैंडल्स के ऊपर ड्राई हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त लगेगा। अब मैं ये येलो कलर ले रही हूँ, मुझे येलो कलर बहुत थोड़ा सा ही चाहिए था, क्योंकि मैंने ये फ्लावर के मिडल में जो है ना येलो डॉट देना था, तो येलो डॉट देना है इसमें। फिर वही बात मैं कहूंगी आप लोगों ने, क्योंकि ये कलर बहुत थिक था, तो ये अगर मैं थिक वाला अगर मैं लगाती तो सूखने में भी टाइम लगाता, समटाइम्स नहीं भी सूखता, तो इससे जो है ना आपका मतलब जो है ना कैंडल्स पे जो कलर आप जो पेंट कर रहे होते हो वो खराब हो जाता है। तो आपने इसकी थिकनेस और को कम करने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा एक दो ड्रॉप आप लोगों ने पानी का मिक्स कर लेना है, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब फायदा होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने येलो पेंट लेके उसको जो है ना आपने डॉट लगा देने हैं। डॉट लगाने के बाद ये आपकी कैंडल हो जाएंगी रेडी। तो आई होप आप लोगों को A to Z मैंने आप लोगों को समझाया होगा, बात क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है, पैराफिन वाली या सोए वैक्स वाली, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो है ना इतनी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, तो आप लोगों ने ये जरूर 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 मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। दूसरा, आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यार बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ, आप लोग बिल्कुल मुझे इतना ज्यादा प्यार नहीं दे रहे, अदरवाइज मैंने यूट्यूब स्विच कर देना है। बस थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट कर दो, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।